होंगे कि जो लोग बाहर अब्रॉड में रहते हैं वो मंदिर नहीं जाते होंगे, उनको दर्शन नहीं होते होंगे भगवान के, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे एक बहुत बड़ा राधे कृष्ण का मंदिर है और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल आरवी फैमिली एंड ट्रैवलॉजी पे, और आज हम हैं वृंदावन में जो वेस्ट वर्जीनिया में है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों अभी हमें वेस्ट वर्जीनिया के इस्कॉन टेम्पल पे, जो राधे कृष्ण टेम्पल है, इसे न्यू वृंदावन टेम्पल भी कहते हैं, जो बहुत बड़े एरिया में फैला है। यहाँ पे ये मेन मंदिर है जो आप देख रहे हैं, अभी हम इसके अंदर भी जाएंगे। और इसके साथ साथ और भी बहुत एक्टिविटीज होने हैं, जैसे यहाँ पे यज्ञ भी होता है, योगा भी होता है, हवन भी होते हैं, लेकिन जो भी इस्कॉन के रीति रिवाज है वो यहाँ पे फॉलो होते हैं। तो अभी हम 12 बजे हैं, तो दोस्तों ये हम आ गए अंदर न्यू वृंदावन टेम्पल के अंदर। ये कृष्ण जी का टेम्पल है, कृष्ण और राधे का, जो इस्कॉन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए कितना भव्य है, ये आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आप अभी इंडिया में नहीं हैं। इसको बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है। जैसे मैंने बताया हम लोग वेस्ट वर्जीनिया में हैं अभी। ये राधे कृष्ण की मूर्ति देख रहे हो, कितनी अच्छी सजावट की गई हुई और श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ जमी हुई है। यहाँ दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं, आसपास में काफ़ी स्टेट्स हैं और 2 से 3 घंटे के डिस्टेंस पर भी लोग यहाँ पे आ जाते हैं। हमारे इस्कॉन के महागुरु हैं जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की थी, जिन्हें जो फाउंडर ऑफ इस्कॉन कह सकते हैं, उनकी भी मूर्तियां रखी हैं। बगल में ही है पूरी जगन्नाथ भगवान जी का भी मूर्ति रखा है, देख रहे हो वो सेम प्रतिमा जो पूरी के मंदिर में आपको देखने को मिलती है, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा, ये तीनों भाई बहन हैं। ये कृष्ण झूला है मंदिर के अंदर ही। तो दोस्तों बहुत बढ़िया दर्शन हुआ, पूरी इंडिया की याद आ गई, बहुत अच्छा आरती हुआ, बहुत डांस किया हमने। और अभी हम इस लाइन में लगे हैं, ये लाइन खाने की प्रसाद का है, अभी बहुत लंबी लाइन होते जा रही है, लेकिन वहाँ से वहाँ प्रसाद वितरण हुआ जो कि प्रॉपर एक खाना है। तो यहाँ से भी लंच का टाइम हो गया है, हम यहाँ से प्रसाद लेंगे और फिर शायद हम यहाँ से वापस के लिए निकल जाएंगे। हमारा लंच हो गया, अब आपको एक क्विक टूर देते हैं इनके कैंपस का। यहाँ पे कैबिन्स है जो आप नंबर 5 नंबर 4 देख रहे हो, जो जहाँ आप रुक सकते हो 1 से 2 दिन के लिए। और इधर योगा शाला है जहाँ, और साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं
लेकिन ये एक हॉलीडे होम, एक मंदिर के साथ साथ हॉलीडे होम जैसा भी है, जहाँ पे आप एक दो दिन के लिए आराम से आकर रुक सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यूएस में रहते हैं या यूएस आ रहे हैं विजिट करने को, तो आप ज़रूर यहाँ पे आएँ। ये वेस्ट वर्जीनिया में है, ऐसे और भी अलग अलग स्टेट में और भी इस्कॉन टेम्पल्स हैं एंड इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय।